असलम एंड वेलकम बैक टू माई चैनल आई होप कि आप सब ठीक होंगे खुश होंगे और मज़े में होंगे अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ आज का भी बहुत इंटरेस्टिंग है और आपने पूरा देखना है आज है मेरे हस्बैंड की बर्थडे और थोड़ा बहुत हम लोग सेलिब्रेट करेंगे किसकी बर्थडे है आज चलो बस बैठ जाओ बच्चे बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं अपने पापा की बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए हालांकि सर्दी बहुत ज़्यादा और उन्होंने मना कर दिया था कि बिल्कुल भी बर्थडे सेलिब्रेट नहीं करनी पर मैंने कहा चलो थोड़ा बहुत हम लोग कर लेंगे तो अभी ये देखें इन्होंने बच्चों ने हाँ जी बच्चे अभी कार्ड्स बनाए हैं कि अपने पापा के लिए वो भी मैं आपको दिखाऊंगी तो आपने ब्लॉग एंड तक देखना है बिल्कुल स्किप नहीं करना और न्यू मेम्बर से मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करना है तो चलिए कि स्टार्ट करते हैं अपना आज का न्यू ब्लॉग बसमानर रहीम हाँ जी अभी हो रहा है सुबह नाश्ते का टाइम और यहाँ पे मैंने अंडे रख दिए थे बॉयल होने के लिए और साथ ही मैंने दूध भी रख दिया था ताकि मैं चाय तैयार कर सकूँ और अभी आज सिर्फ अंडे और ये चाय तैयार हो रही है क्योंकि नाश्ता मंगवाया था बाहर से तो मेरे हस्बैंड अभी गए हैं लेने के लिए तैयार कर लेती हूँ आएँगे चीनी हमने बिल्कुल छोड़ दिया और शक्कर यकीन करें इतने मज़े की लगती है ना चाय में आप शक्कर यूज़ करें या गुड़ यूज़ करें इसके दो फ़ायदे एक तो टेस्ट बहुत अच्छा बनता है दूसरा ये है कि ये चीनी से बहुत बेहतर होती है चीनी से मोटापा आता है बीमारियाँ जो शुगर का मसला है ये सब कुछ तो आप लोग भी कोशिश करें शक्कर यूज़ करें गुड़ यूज़ करें बहुत ही बेहतरीन टेस्ट होता है मैं काफ़ी अर्से से सोच रही थी कि ना स्किप कर जाऊँ इसको ना चीनी को बिल्कुल छोड़ दूँ और इस पर ना शिफ्ट हो जाऊँ मैं शक्कर पे ना मेरे हस्बैंड काफ़ी अर्से से कह रहे थे लेकिन बस वही टाइम लगता है हर चीज़ को करने में तो नाश्ता आया था बाहर से क्योंकि आज मैंने आपको बताया मेरे हस्बैंड की बर्थडे है मैंने इनको बोला नाश्ता बाहर से ले आए तो वो मुझे बोल रहे थे कि वाह भाई ना बर्थडे मेरी और मौजें तुम्हारी मैंने कहा मेरी किस चीज़ की मौजें तो वो बोल रहे थे कि तुम्हें नाश्ता नहीं बनाना पड़ेगा तुम्हारी मौजें हो जाएंगी तो मैंने कहा कोई बात नहीं ले आए कभी कभी तो ऐसे आता है और ये आ गई मेरी चांदी की प्लेट तो ये स्टील की प्लेटें मोस्टली कोशिश करती हूँ बाहर से जब नाश्ता आता है ना तो या और जो चीज़ें हैं वो इसमें ही डालूँ प्लास्टिक वैसे भी कहते हैं कम यूज़ करना चाहिए तो मैं ये भी कोशिश कर रही थी कि मैं ना खाने की चीज़ें भी ना शिफ्ट इसमें कर लूँ कि स्टील के बर्तन यूज़ किया करें तो चने लेकर आए थे बाहर से पहले हम लोग कहीं और के खाते थे लेकिन अब जब से बाय मेन बाज़ार के खाने शुरू किए ना हम लोगों ने यकीन करें बड़ा मज़ा आता है इतने मज़े के ये चने होते हैं ना तो अब मैं इनको यही कहती हूँ कि वहीं से लाया करें आप जाके ना तो सुबह वो मेरे साथ मजाक करके इसी वजह से गए थे कह रहे थे बर्थडे मेरी है तो मुझे तुम्हारी लगी हुई है कि तुम रेस्ट कर लोगी मैंने कहा कोई नहीं वीक में एक दफ़ा ही आता खैर है तो हम लोग डेली बनाते हैं ना नाश्ता तो अंडे मैंने घर में बॉयल किए थे अंडे मैं कभी भी वो अंडे चने नहीं मंगवाती हूँ तो घर में ही बॉयल करो वही सही रहता है बाहर के किस तरह के कोई ख़राब उबाल के दे दें दे, कोई पता थोड़ी होता है तो साथ ही ये मज़े का सैलड लेकर आए थे तो इतनी अच्छी खुशबू आ रही थी ना गरम गरम चने थे और सर्दी का मौसम हो और नान चने हो या हलवा पूड़ी हो इस टाइप की चीज़ें खाने का मज़ा आता है और साथ ही ये कलरफुल सा सैलड आ गया था बहुत ही मज़े का रायता ये लोग नहीं देते हालांकि दिल करता है वो भी हो साथ ना तो और मज़े का लगता है लेकिन इनके पास नहीं होता खैर ये नाश्ता हमारा रेडी हो चुका है जो मैंने बिल्कुल भी नहीं बनाया और चाय मैं बना रही थी आप लोग देख सकते हैं चाय हमारी रेडी हो चुकी है तो अब हम करेंगे नाश्ता अरे हम जिद कर रहा है कि मैंने जी लींबू खाना है। पकड़ के खाओ हो, हाँ, रहे मैंने नींबू खाओ 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 यहां देखो खाओ पहले सही तरह खाओ मुंह में डालो <laughs> <laughs> खाओ एक दफा <दप> और खाओ <laughs> अरे <अरहा। laughs> लाओ मैं खिलाऊं लाओ मैं खिलाऊं लाओ, लाओ मामा खिलाए <laughs> नाश्ते से फ्री हो गए थे उसके बाद मैंने घर की जो हालत थी वो समेटी सारी किचन वगैरह साफ़ किया बर्तन धोए दो तकरीबन बच चुके थे तो मैंने सोचा आपको बाहर का मौसम दिखा दूँ देखें सूरज बेचारा निकलने की पूरी पूरी कोशिश कर रहा है लेकिन बादल निकलने नहीं दे रहे बहुत ज़्यादा सर्दी है जरा सी भी धूप में निकली पर क्या करें फिर दिन तो गुजारना है काम तो करने हैं खैर मैंने मंगवाया था यहाँ पे चार्ट पेपर तो बच्चों ने बहुत जिद की हुई थी क्योंकि अलियान को अब थोड़ी समझ आने लगी है तो वो यही बोल रहा था मम्मा मैंने ना पापा के लिए कुछ बनाना है या कोई गिफ्ट देना है मैंने कहा चलो ठीक है मैंने फिर ना ये चार्ट पेपर मंगवाया था तो मैंने कहा ऐसे तो आलियान अगर बनाएगा तो फिर अरहम भी ज़िद करेगा कि मुझे भी चाहिए तो मैंने कहा एक ही दफ़ा ना दोनों के लिए बना लेती हूँ ताकि फिर ना उसको अरहम को फील ना हो क्योंकि वो भी एक्साइटेड होता है आलियान को देख के कि जो वो कर रहा है ना मैं भी वही करूँगा छोटे बच्चे होते हैं ना वो अपने बड़े बहन भाइयों से ही सीखते हैं और उन्हीं को देख कर उन्हीं को कॉपी करते हैं अरहम तो बहुत ज़्यादा कॉपी करता है ना आलियन को कि जो आलियान ने करना है वही मैंने करना है तो मैंने कहा लैन के लिए कार्ड बनाऊंगी तो और हम भी जिद करेगा कि मामा मैंने भी देना तो वो फील ना करे तो दोनों के लिए बना दूं और मैं इन कामों में बिल्कुल अनाड़ी हूँ मुझे कुछ भी नहीं आता ड्राइंग्स वगैरह कभी छोटे होते अच्छी कर लेते थे अब तो खैर अरसा ही हो गया ये चीज़ें किए हुए तो मैंने सोचा कि बगैर कोई फूल बूटे बनाने के सिंपल सिंपल हैवी बटे लिखती हूँ बच्चों को बोलूँगी इसमें कलर्स कर लें तो ये मैंने इनको लिख कर दिया था तो वो कह रहे थे कि बस लिखो ना हमें दे दो हम खुद ऊपर ना कोई गंद शंद मार लें तो मैंने कहा नहीं ऐसे नहीं पकड़ाना इनको तो आलियान ज़रा समझदार है आलियान से बोलूँगी दोनों में कलर्स कर ले और जो बचा हुआ चार्ट पेपर आपको साइड पर नजर आ रहा होगा वो मैंने अरहम को दे दिया था यूज़ करने के लिए कि तब तक आप इस पर कलरिंग करो ना तो अरहम का भी आलियान ही तैयार करेगा कलरिंग वही करेगा तो उसके बाद दोनों मिलके ना अपने पापा को दे देंगे मैंने सोचा था ऊपर चॉकलेट्स वगैरह लगा दूंगी चलो जी कार्ड तैयार हो जाएगा तो दोनों मिलके ना दे देंगे तो यहाँ आप देख सकते हैं दोनों यहीं पे खड़े हुए हैं और ना बस उनकी कोशिश थी हम किसी तरीके से ना इसको पकड़ लें तो अभी जो उनसे है ना कोई ख़ास खाने की भी हमने तैयारी नहीं की बस यही था कि सिंपल सी बर्थडे इन्होंने बोला था कि मैं कुछ भी नहीं करना जब मौसम ठीक हो गया तो बच्चों को कहीं बाहर ले जाएंगे आउटिंग पर तो अभी ये है कि ये यहीं पर कार्ड तैयार हो रहे थे अभी केक वगैरह कुछ भी नहीं लेकर आए थे मैंने कहा पहले इनको मैं ना फारग कर लूँ दोनों बच्चों को ताकि इनकी कहीं भी पूरी हो जाए क्योंकि आलियान होता है ना कि एक दफ़ा उसको कान में कोई बात डाल दो कि ऐसे करेंगे वो बस पीछे पट जाता है कि अभी कर लो अभी कर लो तो मैंने कहा पहले मैं इसको फ्री कर दूं उसके बाद बाकी के काम देखे जाएंगे कोई खाना बनाना या कुछ भी करना है ये कलरिंग लेकर अपनी बैठ जाएं उसके बाद हम देखेंगे तो अभी मैं ये लिख कर दे रही थी इनको आप देख सकते हैं कैसे टेढ़ा मेढ़ा जा रहा है बेचारा पापा पूरा ही नहीं आया साइड पर तो जैसा भी हुआ मैंने दे दिया अलियान ने कलर्स हाथ में पकड़े हुए ये देखे इस तरह से मैंने लिख कर दिया है अलैन क्या कर रहे हो देखो मैं ना इसके बाद ना वो चॉकलेट लगाऊंगी इस इसके ऊपर चॉकलेट लगानी है पापा के लिए वेरी गुड ये क्या लिखा हुआ है आप किसके ऊपर कलर कर रहे हो नहीं नहीं। इसके लिखा है हैप्पी बर्थडे पापा शाबाश चलो कलर करो अरे हम आप क्या कर रहे हो अरे हमको कलर ही नहीं पसंद आ रहे नो no, ये मार्कर है ये नहीं लिखना इसके साथ अच्छा चलो लिखो लिखो तो बच्चों को यहां पे मैंने बिजी कर दिया था उनको मैंने कलर्स दे के बिठा दिया था साथ मैंने उनको फ्रूट्स भी काट दिए थे कि बैठ के कुछ ना कुछ खा लें और अपना काम भी कर लें तो साथ ही मैंने यहाँ पर आलू कीमा चढ़ाया हुआ था मैंने इनसे पूछा था कुछ खाना है कुछ स्पेशल आपके बर्थडे पे तो उन्होंने कहा नहीं वैसे तो मेरा गोश्त खाने को दिल कर रहा है तो मैंने कहा देख लें गोश्त खाना कुछ भी खाना है तो आप ले आए लेकिन जब लेकर आए तो कीमा ले आए थे तो मैंने कहा चलो आलू कीमा बना लेते हैं तो यहाँ पर मैं आलू कीमे की तैयारी कर रही हूँ इसकी रेसिपी मैं आपके साथ पहले शेयर कर चुकी हूँ अगर आपने देखनी हो तो आप मेरे चैनल पर जाके देख सकते हैं आज मैंने बिल्कुल भी शेयर नहीं की वैसे भी सिंपल तरीके से बनता है कोई इतना मुश्किल नहीं होता इसको बनाना तो बिल्कुल लास्ट पॉइंट पे मैं बिल्कुल तैयार कर चुकी थी जल्दी से ये बन जाता है और लास्ट में मैंने इसके ऊपर डाला है धनिया और आप देख सकते हैं कितना गर्म गर्म है धुआं उठ रहे हैं उस वजह से क्लियर नज़र भी नहीं आ रहा तो बहुत ही मज़े का तैयार हुआ था तो इसको मैंने रेडी कर दिया था मैंने कहा बाकी काम बाद में देखे जाएँगे खाना तैयार करने के बाद ना हम लोग गए थे बाद में केक लेने के लिए तो मैंने कहा वो भी आपको दिखा दूँ यहाँ पर हम आए हुए थे गौर में बच्चों के लिए दूध भी लेने थे ब्रेड अंडे भी चाहिए थे वो सब कुछ लेना था हमने तो साथ ही मैंने कहा चलो केक भी ले लेते हैं तो केक लेते हुए मुझे एकदम से याद आया कि कार्ड तो बच्चों को दो बना के दे दिए हैं अब के, केक एक लेंगे तो उस पर भी लड़ाई है क्योंकि दोनों को अलग अलग चीज़ चाहिए होती है तो फिर मैंने सोचा था चले एक केक ले लेते हैं और साथ में ना एक में आ, मेरा वैसे ही दिल कर रहा था ब्राउनी खाने को काफ़ी दिनों से आई नहीं थी तो मैंने कहा एक ब्राउनी ले, ले, ले लेते हैं तो दोनों को ना एक एक चीज़ पकड़ा देंगे ताकि ईजिली दोनों कवर अप हो जाए लड़ाई ना हो दोनों के बीच में तो यहाँ पे फाइनली हम लोगों ने केक ले लिया है अभी हम इन चीज़ों की पैकिंग करवाएंगे और जो हमने बाय से एक तो चीज़ें लेनी है वो भी लेकर हम लोग जाएंगे घर और फिर हम जाके छोटी सी अपने घर में ना एक बर्थडे सेलिब्रेट कर लेंगे अच्छा होता है मतलब कि छोटी छोटी खुशियाँ होती हैं आप ये साथ में मनाया करें और बच्चे तो वैसे ही बड़े एक्साइटेड होते हैं चाहे उनकी अपनी बर्थडे हो चाहे उनके मामा पापा की बर्थडे हो वो कहते हैं बस बर्थडे होनी चाहिए और हम लोग ना उसको इन्जॉय कर सकें तो यहाँ पर अभी हम लोग बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे चलो आओ आ जाओ आ जाओ दोनों मेहंदी लेके आ रहे हैं आ जाओ पापा की मेहंदी लेके आ रहे हैं दोनों है? चलो जी पापा को हैप्पी बर्थडे बोलो हैप्पी बर्थडे का दो हैप्पी बर्थडे अलेन हैप्पी है बर्थडे बोलो ना है पापा को हैप्पी बर्थडे टू यू थैंक यू थैंक यू चलो पापा के साथ बैठो फिर केक काटेंगे चले कोई बात नहीं फूक मारे ना

गरम होगी लगी है ना अरे यहाँ देखो, देखो। यहाँ देखो।, देखो ना हाँ हाँ किसकी बर्थडे है आपकी है पापा <laughs> की बर्थडे है मेरी चलो तो दो 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 दोनों दो दो पापा को कुमार दो दोनों दोनों पापा को कुमार दो कुमार दे दो दोनों पापा को आलियाँ शाबाश चलो 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 जी पापा को गिफ़्ट दो अपने-अपने ओह थैंक यू हाँ और हमने चॉकलेट उतार ली है अरे हम पापा को चॉकलेट के साथ गिफ्ट देना है मेरी है मेरी है मेरी वो कह रहा है मुझे दे दो एक चॉकलेट मैं मुझे नहीं ये भी ये भी हां कितनी चलो जी ये देखें क्या-क्या खाना क्या ले आने चलो खाओ तो माशाल्लाह से यहाँ पर हमने एक छोटी सी क्यूट सी बर्थडे भी सेलिब्रेट कर ली और शाम की हमने चाय भी पी ली मिलकर बैठकर बहुत मज़ा आया बहुत एंजॉय किया बस इतनी मैं वीडियो बना सकी क्योंकि मैंने भी खाना था तो उम्मीद करती हूँ आपको भी वीडियो पसंद आई होगी तो आपने इसको लाइक और शेयर लाजमी करना है और जो न्यू मेम्बर्स मेरी वीडियो देख रहे हैं वो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन का बटन प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आपको मिल सके तो अपना बहुत सा ख्याल रखें मुझे भी दुआ में याद रखें अल्लाह निगेबान अल्लाह हाफिज़